नागपुर जिले के सावनौर तालुका अंतर्गत खापा जिले में भजन लाल कौरती नामक पिता ने शराब के नशे में अपने एक वर्षीय बच्ची सत्यम को पत्थर पर पटक पटक कर मारने की घटना सामने आई है। हत्या की जानकारी मिलते ही खापा पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 12 बजे के करीब वाकोड़ी निवासी भजन लाल कौरती ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ विवाद किया। इसके बाद उसने देखते ही देखते अपने एक वर्षीय बेटी सत्यम को उठाया और पत्थर पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी ने इस घटना का विरोध किया तो आरोपी ने उसे भी दूर फेंक दिया। बताया गया कि आरोपी ने 3 वर्ष पूर्व भी शराब पीकर परिवार के सदस्य के साथ इसी तरह से मारपीट की थी। उसे 3 साल का एक और बेटा है। घटना की जानकारी वाकोड़ी के सरपंच मनोहर जुनघरे ने खापा पुलिस को दी। थानेदार अजय मानकर ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर आरोपी भजनलाल कौरती को गिरफ्तार कर लिया। कल सवेरे हमें वाकोड़ी गांव के सरपंच इन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे गांव में एक आदमी ने अपने लड़के को जमीन पे पत्थर पे पटक कर उसकी हत्या कर दी। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मैं मेरे साथ हमारे PSI और टीम को लेके तुरंत उस गांव में गया और वो घटनास्थल पे गया। वहां पे जाने के बाद छोटा सा ही घर है कवेलू का, वो घर में पहले ही रूम में बच्चा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। वो घटना देख के हम भी स्तब्ध हो गए। इतना छोटा मासूम बच्चा और उसको कैसे क्या उसके बाप ने मार दिया। काफ़ी गंभीर मामला था तो मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उसके बाद हमने आरोपी को अरेस्ट किया, गुना भी रजिस्टर किया पहले। तो यह जो हत्या हुई उस बारे में हमने जो फरियादी है लड़के की माँ सौ मथुरा कवरे थी, तो इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनका और उनके पति का रात 9 और 10 के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात से हुआ कि जो आरोपी है भजन कवरे थी उसने अपनी बीवी को फिरियादी को दारू पीने के लिए पैसे की मांग की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।